14 दिन का लॉकडाउन मजीद होगा। डबल सवारी अब नहीं अलाउ करेंगे मोटरसाइकिल पे, 3-4 बच्चों के साथ नहीं अलाउ करेंगे। प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, टेलर्स, हेयरड्रेसर्स नहीं खोल सकते हम। वजीर आला सिंध का अगले 14 रोज लॉकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं कोई ये समझ रहा है कि शरह कम है तो वो गलत समझ रहा है। मोटरसाइकिल पर बच्चों के साथ जाने पर सख्ती से पाबंदी होगी। प्लम्बर, दर्जी, हेयर ड्रेसर्स की दुकानें खोलने से रोक दिया गया। मोस्ट वेलकम, क्या अपना शहर है, अपना सूबा है, जब चाहे आए। एक रिक्वेस्ट ज़रूर होगी जब भी वो आएंगे कि जो इधर लॉकडाउन के हमारे उसूल हैं, जो मेरे पे भी फ़र्ज़ हैं, आप पे भी फ़र्ज़ हैं, मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि ख़ुद ही उन्होंने कहा है कि सूबे जो मर्ज़ी है कर लें, तो जब इस सूबे में आएँ तो वो झमघटा ना खड़ा करें। वज़ीर-ए-आज़म जब चाहें सिंध आएं, दरख्वास्त है मजमा ना हो। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सिंध आएं तो दरख्वास्त होगी गाड़ी में SOPs पर अमल करें। वज़ीर-ए-आज़म खुद SOP पर अमल करके लोगों को बताएंगे तो अच्छा तासर जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत का लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तौसी का फैसला। लियाकत शाहवानी कहते हैं तामीराती और ज़रई शोबे से मुंसलिक कारोबार खोल दिया, किसी हुकूमत को लॉकडाउन करने का शौक नहीं, ताजर मजबूरी समझे। उधर पंजाब में ब्यूटी पार्लर्स और हजाम की दुकानें बंद रहेंगी। मईशत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा इकदाम, मखसूस शोबे खोलने के फैसले पर अमल दरामद। सनती पहिया चलना शुरू हो गया। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में कारखाने खुल गए। ऑटो स्पेयर पार्ट्स, ज़रई मशीनरी और दीगर आलात की दुकानें भी खुल गईं। वफाकी हुकूमत का तामीराती सनत के लिए ऑर्डिनेंस तैयार। कम लागत हाउसिंग मंसूबों के लिए टैक्स की छूट 90% तक होगी। तामीराती मटेरियल पर सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की शरह में 25% तक कमी की जाएगी। सूबाई टैक्स भी मुनासिब हद तक कम किए जाएंगे। पैकेज जून 2022 तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म आज तामीराती शोबे के लिए ऑर्डिनेंस और पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से DGISI की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का टेलीफोनिक रबता। सूबे की सूरतहाल के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने अब्दुल अलीम खान को वजारत दोबारा संभालने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी ताजरों के लिए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का अहम इकदाम। KPT पर कंटेनर्स को पोर्ट चार्जेस से छूट का दौरानिया बढ़ाकर 15 दिन कर दिया। 25 मार्च से 30 अप्रैल तक आने वाले कंटेनर्स को 15 दिनों तक चार्जेस से छूट होगी। गंदम की फसल पक कर तैयार, मशीनरी ठीक हो सकी ना ही कोई औजार। ज़रई आलात और दीगर अशिया की दुकानें बंद रहने से फसल की कटाई में ताखीर का खदशा। आलमी इदारों में वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाब पॉलिसियों की धूम। 10 बिलियन ट्री सोनामी मंसूबा दुनिया के लिए शानदार मिसाल बन गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रिलियन ट्री मंसूबे का ऐलान। इमरान खान के खिताब को मुहिम का हिस्सा बनाया गया है। तमाम सूबे अपने फैसले करने में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया, कहा कि सिंध हुकूमत अपने सूबे के हालात के मुताबिक जो बेहतर समझे वो फैसले ले ले। उधर शहबाज गिल कहते हैं कल से पीपल्स पार्टी ने यह तासर दिया है कि वफाक ने उन्हें कोई फैसला लेने के लिए मजबूर किया है। 18वीं तरमीम के बाद आपके इन फैसलों का इख्तियार आपके पास है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तशखीसी टेस्ट की इस्तादेकार।
रोजाना की बुनियाद पर 10,000 तक ले जाने का ऐलान। कहा 8 नई लैब्स बनाने का आखिरी मरहला है। 4,500 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल कायम कर दिए। लॉकडाउन के मस्बत नतायज सामने आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत का रमज़ान बाजारों की सब्सिडी बिजली के बिलों पर मुंतकिल करने पर गौर। हुकूमत ने बिजली कंपनी से 1500, 2000 और 3000 तक माहाना बिजली इस्तेमाल करने वाले सारफीन की तफसीलात तलब कर ली। दालों की कीमत में मन माना इजाफा कर दिया। एक माह के दौरान दालें 60 रुपए किलो तक महंगी कर दी गईं। दाल मूंग की ट्रिपल जबकि दाल चना की कीमत ने डबल सेंचुरी कर दी। तेल की तलब में कमी, आलमी मार्केट में कीमतें मजीद गिर गईं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 2.30 डॉलर कमी के साथ 20.11 डॉलर फी बैरल पर फरोख्त हुआ। ब्रेंट क्रूड की कीमत 2.14 डॉलर की कमी के साथ 29.60 डॉलर फी बैरल रही। तरावी एतकाफ जुमा का फैसला मुत्तफिका तौर पर होगा। वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं 18 अप्रैल को उलमाए कराम के साथ मुशावरत की जाएगी। उधर उलमाए कराम का मसाजिद के लिए लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। जय्यद उलमाए कराम ने ऐलामिये में कहा कि बीमार अफराद को घर पर ही जमात का सवाब मिलेगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि मसाजिद में नमाज जुमा और तरावी का अहतमाम होगा। मुफ्ती तकी उस्मानी, सिराजुल हक, मौलाना फजलुर रहमान, अलामा साजिद मीर ने ऐलामिये की तायीद कर दी। वफाकी वुजरा ने सानिया निश्तर से इमदादी रकम का हिसाब मांग लिया। डॉक्टर सानिया निश्तर का प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वालों का रिकॉर्ड देने से इनकार। काबीना इजलास के दौरान जवाब दिया, रिकॉर्ड की फराहमी में कानूनी पेचीदगियां हैं, इस तरह प्रोग्राम को सियासी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। जराए के मुताबिक वफाकी वुजरा ने मौकिफ इख्तियार किया, मुंतखब नुमाइंदों से रिकॉर्ड क्यों शेयर नहीं किया जा सकता। इजलास के दौरान वजीर आजम ने तफसीलात मांगने की बहस खत्म करा दी। इस मुश्किल हालात के अंदर किस तरीके से फैसले कर रही है, और ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो गया है कि मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर सुना है जिम्मेदार सियासी लीडर्स जो हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मैं आपको ज़रा सी तफसील में बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कैसे की जा रही है, और जितने भी लोग पाकिस्तान में इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर काम करते रहे हैं उन सब की मुश्तरक राय ये है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी इमरजेंसी हालात के अंदर इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से, इतनी मुनज़्ज़म तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं की गई जितनी आज की जा रही है। वफाक तमाम सूबे, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सब के दरमियान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इस निज़ाम के ऊपर जो सबसे बड़ा फोरम है वो है, वज़ीर आज़म चेयर करते हैं, तमाम सूबाई वज़ीरे आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीरे आज़म जो हैं वो उसके अंदर शिरकत करते हैं, और उसके अलावा कुछ वफाकी वज़रा भी होते हैं। मेरी गिनती के मुताबिक आज NCC का 9वां इजलास था, यानी कि जब से ये फोरम बना है तो पिछले एक माह के अंदर लगभग 9 दफ़ा इसकी मुलाकात हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोई हफ्ते में कोई तकरीबन औसतन 2 दफ़ा मुलाकात होती है। मैं ये भी बार बार लोगों को याद दिलाता हूँ कि इस वक्त ये लोग जो शिरकत करते हैं, जो सूबाई वज़ीरे आला हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीरे आज़म हैं, ये 4 मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, सिंध की हुकूमत इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं बलोचिस्तान के वज़ीरे आला, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में तरीके इंसाफ की हुकूमत है। तो ये तो जो ऊपर निज़ाम है उसको और मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि ये तो पॉलिसी साज फैसले करेंगे, उसके बाद उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना, और वो तब ग्राउंड से सारा काम करके वो रिसर्च जिसका भी कुछ का जिक्र कर रहे थे जफर मिर्ज़ा साहब, कुछ उसका हमाद अज़र जिक्र करेंगे, कुछ उसका मोहित यूसुफ करेंगे, ये तमाम जो मुख्तलिफ उसके पहलू हैं उसकी कोऑर्डिनेशन करके, रिसर्च करके, आपस में मुशावरत करके
एनसीसी के सामने फैसले रखने की जिम्मेदारी नेशनल कमांड सेंटर के पास है। नेशनल कमांड सेंटर रोजाना मुलाकात करती है, रोज सुबह 10 बजे हम मुलाकात करते हैं, और जब से नेशनल कमांड सेंटर बनी है ये हर रोज मुलाकात हुई है, चाहे वो हफ्ता हो या इतवार हो, रोजाना मुलाकात होती है। कुछ हम उसमें वफाकी वज़रा हैं, उसके अलावा तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं वहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के भी, ये तमाम लोग सब बैठते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट अगर कोई ख़ास चीज़ जिस तरह जो नई टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ी खुशाइन बात है, आपको अगले 2-3 दिन में हम तफसील बताएंगे कि इससे मुकाबला करने के लिए जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो बनाने हैं, जो मुख्तलिफ मेडिकल जो सप्लाईज देनी है, वो पाकिस्तान में किस तरीके से हम डेवलप करने की कैपेसिटी बना रहे हैं, उसके लिए हमने फवाद चौधरी साहब को बुलाया हुआ था और मुख्तलिफ लोग इस तरीके से आते रहते हैं।